हाय दोस्तों, तो कैसे हम लोग दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गए हैं। जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट। के दिन कोई भी 15-16 साल का लड़का तेरी वीडियो देखेगा तो क्या सीखेगा? ओ भाई, गरम ही गरम। बैचलर को निकाल देंगे। क्राउड चेक करो गाइस, सही कदम तुम्हारे कुछ लग गया। वीडियो लाइक करते गाइस। बहुत हैवी यार, मार भी सके हमें भी। पर राव साहब को मार लगेगा, मारो साले उल्टे। ये मार भी देगा गाइस, ये गेम के टाइम बंदा है भाई। भाई वहां पर रोडों पे SHO डोल रहा, DSP डोल रहा, ACP डोल रहा, क्यों डोल रहा? मुझे अरेस्ट करने को कि कौन है? मेरे पे केस लगता, महामारी का केस लगता कि कोविड में आपने इतनी भीड़ जुटा ली। क्राउड चेक करो गाइस, केस तो नहीं है। मेरी गाड़ी पे बोनट का किसी ने चाबी मार दिया, फिर पत्थर मार दिया, आई डोंट नो। बहुत खुश मारो, कोई दिक्कत नहीं, उसे नू ना पता। भगवान की दया है, इतना रुपया छाप लिया मैंने, कोई फर्क ना पड़े। चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। चौधरी और एलवेश यादव, द वे दे आर ऑन स्क्रीन इज वेरी डिफरेंट। मतलब भाई वो बंदे इतने मस्त है ना, इतने मस्त है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब चारों तरफ एलविश एलविश हो रखी है पूरा। भाई क्यों नहीं हो रही चक्का जाम? आप करवा रहे हो बढ़िया तरीके, जहाँ जा रहे हो वहाँ चक्का जाम हो रहा है। VIP नंबर ऐसी थोड़ी आ रहा है भाई, बहुत मिलने तो चले जा रहा हूँ मैं, हाथ जोड़ के यार। हमारे क्षेत्र में वो बॉलीवुड स्टार से भी ऊपर है, स्टार है वो। हमारे इसमें NCR में, मेरठ वेरठ के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है एलविश यादव। जहाँ चला जाए वहीं चक्का जाम, चक्का जाम लगा। चक्का जाम होता है वो तो आप देख रहे हो भाई। अगर बनना है तो समंदर बनो। वीडियो के लिए लाइक कर दो गाइस, छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। एलविश यादव भाई बहुत सही लौंड लगता है, कभी मिला नहीं हूँ, मिलेंगे तो यार ऑब्वियसली मिल जाएगा। है भाई सही बंदा है, वो तो आपको देखते ही। इलेक्शन में मैं जीत गया ना तो तेरी कसम वो वाली वीडियो निकालूंगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जब 50 फॉलोवर थे ना मेरे, तब छोड़ के चली गई थी मेरे को। आज 50 क्या 5 मिलियन हो गए भाई। एक काम कर, तू इस वाली गाड़ी में गाड़ी बदली यार, आगे से दो गाड़ी बुला ले जोगिंदर आ रहा, ठीक है? इस वाली गाड़ी में बैठ, सिस्टम मैं काट रहा हूँ इस बार। ये कह रहा था भाई बॉम्बे जम की देगा मेरे से, मतलब तू अपने 5 हंटरों के साथ बैठ के मेरे को डरा रहा है, दिख रहा है? लट्ठी लट्ठी मेरे ऊपर
जो आज मुझे पता लगा कि मेरी औकात क्या है इधर में। तो दोस्तों ये थे एल्विश यादव और इनकी ये कुछ एटीट्यूड और स्वैग वाली वीडियोस थी। नो डाउट इस बंदे पे जचता भी है यार, ये बंदा डिजर्व करता है ये सारी चीज़ें, और बहुत बड़ा यूट्यूबर है, 5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और क्रेजी फैन फॉलोइंग है, क्रेजी लोग ऐसे मतलब दीवाने हो रहे होते हैं। पर यार मैं एक चीज़ से इसकी डिसएग्री कर रहा था, डिसएग्री इस चीज़ से कि यार इसने कुछ अर्से पहले ना कॉन्ट्रोवर्सीज में इधर उधर कूदना शुरू कर दिया, वो मज़ेदार चीज़ नहीं है। अपने कंटेंट पे ध्यान देता था, कंटेंट इसका क्लास का होता है और मज़ा आता है देखने में। पर ये इधर उधर कॉन्ट्रोवर्सीज के अंदर पड़ना शुरू हो गया और उसके बाद उस कॉन्ट्रोवर्सी से इसका नाम ख़राब होना शुरू हो गया, दूसरे यूट्यूबर्स को तो फ़ायदा होना शुरू हो गया। पिछले दिनों ध्रुव राठी के साथ भी इसकी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, इसने ध्रुव राठी के ऊपर एक रिएक्ट किया, फिर उसने रिएक्ट किया, फिर उसने जवाब दिया, फिर उसने जवाब दिया, तो दोनों के फ़ैन भी आपस में लड़ पड़े। बहरहाल मेरे लिए तो दोनों ही यूट्यूबर बहुत अच्छे हैं। तो आप लोगों की नज़रों में एल्विश यादव किस तरह का यूट्यूबर है और आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं, ध्रुव राठी को या एल्विश यादव को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।